शाह एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इट्स सो हॉट ना हाँ यहाँ पे भी ऑब्वियसली इट्स सो समर टाइम सो अगर इस समर्स में हमें थोड़ा सा फीलिंग रिफ्रेशिंग एंड चिल मिल जाए जो कि अदर बेवरे से ज्यादा बेटर हो तो सोने पर सुहाग हो जाएगा ना so in my today video i'm going to talk about a very nutritious vegetable that is that is beetroot okay uh, beetroot बीटरूट को और भी बहुत नामों से जानते हैं हम लोग इसको हम लोग चुकंदर भी बोलते हैं एंड ये बहुत ही प्यारा सा दिखता भी है क्यूट सा बट यूज़ करते वक्त हमें थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ता है हमारे हाथ भी गंदे कर देते हैं बट वो हम छोड़ते हैं ओके okay, तो मैं आज जो हम लोग बीट रूट के बारे में बात करने वाले हैं इसके कि हमें क्यों लेना चाहिए कैसे लेना चाहिए क्या हेल्थ बेनिफिट है ये सब सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बीट रूट में इतने ज़्यादा न्यूट्रिशन क्या है या फिर इसमें क्या क्या रिसोर्सेज हैं लो इन कैलोरी है रिच इन फाइबर है रिच इन विटामिन सी है रिच इन विटामिन ए है बी है एंड रिच इन एंटी है जो कि फ्री रेडिकल्स को हमारी बॉडी से डिस्ट्रॉय करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं इट इज़ रिच इन कैल्शियम आयरन पोटेशियम मैग्नीशियम जिंक बोरॉन दैन फ्लैविनइड है इसमें एंथोसाइनिन है नाइट्रेट रिच है ये देन इसमें कैरोटीन प्रेजेंट है अब इतने सारे न्यूट्रिशन इसमें प्रेजेंट हैं तो ऑब्वियस बात है कि इसमें बहुत इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं तो अब हम हेल्थ बेनिफिट के बारे में जानते हैं पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सबसे ज़रूरी लो इन कैलरी है हाई इन फाइबर है तो ये वेट लॉस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है जो लोग वेट लॉस की प्रोसेस में हैं या फिर वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये ड्रिंक अपने डाइट में बिल्कुल इंक्लूड कीजिए रिच इन फाइबर है तो हमारे डाइजेशन प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने में इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है एंड कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से बहुत रिलीफ दिलाता है एंड uh, ये हमारे स्किन एंड हेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि रिच इन एंटी है तो हमारे ओके okay. तो हम लोगों ने इसकी इतने सारे हेल्थ बेनिफिट जान लिए हैं तो अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि किन किन लोगों को नहीं लेना चाहिए या फिर डॉक्टर्स से ज़रूर कंसल्ट करें बीट रूट अपने डाइट में इंक्लूड करने के लिए उन उन लोगों के लिए जिनको स्टोन का प्रॉब्लम है किडनी का प्रॉब्लम है वो इन वो बीट रूट को ना लें या फिर जिनको अर्थराइटिस या फिर गोइट की प्रॉब्लम है वो बीट रूट को ना लें या फिर एक बार अपने डाइटिशियन या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करें अपने डाइट को इसमें इंक्लूड करने के लिए सो so, तो अब हम लोगों ने जान लिया कि किन लेना चाहिए किन नहीं लेना चाहिए तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें बीट रूट का जूस हम कैसे बना सकते हैं या फिर हम कैसे बनाएं। तो मैंने यहाँ पे हाफ कैरेट लिया है हाफ बीट रूट लिया है वन टीस्पून फ्रेश जिंजर लिया है जिंजर डालने से इसका टेस्ट काफी अच्छा हो जाता है एंड बीट रूट हमें कभी फुल्ली कंसेंट्रेटेड नहीं लेना चाहिए इसलिए मैंने कैरेट इसमें ऐड किया है जो कि इसका न्यूट्रिशन पावर और इंक्रीज कर देता है अगर आप जूसर यूज कर रहे हैं तो आप वन कैरेट एंड वन बीट रूट एंड हाफ जिंजर यूज कीजिए एंड बाद में आप उसका थोड़ा पल्प ऐड कर सकते हैं अपना फाइबर इंटेक बढ़ाने के लिए देन मैंने यहाँ पे तीनों चीज ग्राइंडर में ऐड कर लिया है पानी ऐड किया है ग्राइंड करने के बाद कुछ ऐसा दिखता है उसके बाद मैंने हाफ टी स्पून चाट मसाला हाफ टी स्पून लेमन जूस ऐड किया जिससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है एंड कंसिस्टेंसी आप पे डिपेंड करती है कि आपको कैसा चाहिए थिक या फिर थोड़ा गाढ़ा चाहिए मुझे थोड़ा सा गाढ़ा पसंद है इसलिए मैंने पानी थोड़ा कम ऐड किया है देन आप इसको चाहे तो छान भी सकते हैं उसके बाद आप वन स्पून या टू स्पून इसका पल्प बाद में ऐड कर सकते हैं फॉर फाइबर इंटेक नाउ योर बीटरूट जूस इज रेडी सो आपको मेरा बीटरूट जूस पसंद आया होगा ट्राई कीजिए एंड मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताया कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन्हीं लोगों के पास पहुँच सके एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो बी हैप्पी बी हेल्दी एंड Take care. Bye bye.